विष्णु भगवान के हैं। फिर भाई ये श्लोक तमेव माता सपिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव शरणं मम देव देव शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशनं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगणं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ज्ञातिगंभरं वंदे विष्णुवौहेहरणं सर्वलोकैक्यनाथं। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। भरूर महाराज की जय। आज हम लिखे चौथा अध्याय श्रवण क्रिया से। चौथा अध्याय में नरक प्रदान करने वाले पाप कर्म, जैसे नरक में आदमी जाला तो पाप कर्म कौन पाप कर्म क्रिया से नरक के प्रदान होगा, ये चीज के बारे में जानकारी करके बस। कार गच्छन्ति महामार्गे वैतरण्यां पतन्त किए कै पातर नरके यान्ति तन्नमे कथय केशव। गरुर जी ने कहा हे केशव, किन पापों के कारण पापी मनुष्य यमलोक के महामार्ग में जाते हैं और किन पापों से वैतरणी में गिरते हैं तथा किन पापों के कारण नरक में जाते हैं, वह मुझे बतलाइए। तो श्री भगवान जी बोलते नहीं सदैव कर्मणि रक्तः शुभ कर्म पाखंड मुखः नरकाराण करण्यान्ते दुखा दुखं भयाद् भवयम् धर्मराज पुरे यान्ते श्री त्रिभि दर्व्यरस्तो धार्मिकः पापास्तो दक्षिणा द्वारा मागेणैव बदरन्ति तथा। श्री भगवान बोले सदा पाप कर्मों में लगे हुए सभी शुभ कर्म से विमुख प्राणी एक नरक से दूसरे नरक को, एक दुख के बाद दूसरे दुख को तथा एक भय के बाद दूसरे भय को प्राप्त होते हैं। धार्मिक जन धर्मराजपुर में तीन दिशाओं में स्थित द्वारों से जाते हैं और पापी पुरुष दक्षिण द्वार के मार्ग से वहां जाते हैं। जो धार्मिक जन होते हैं वो धर्मराजपुर में तीन दिशाओं में स्थित द्वारों से जाते हैं। तीन दिशा के स्थित जो द्वार रहेगा उसे जला लो, आप पापी पुरुष जो का उस दक्षिण द्वार के मार्ग से ही जला। इसी महादुखदायी दक्षिण मार्ग में वैतरणी नदी है, यही दक्षिण दिशा में जो दक्षिण दिशा से पापी पुरुष जला लो यही में वैतरणी नदी बा, उसमें जो पापी पुरुष जाते हैं उन्हें मैं तुम्हें बताता हूँ। जो ब्राह्मणों की हत्या करने वाले, सूरापान करने वाले, सूरापान मतलब शराब उराब के शराब उराब पिए वाला, गोघाती मतलब गाय के हत्या करे वाला, बाल हत्यारे स्त्री की हत्या करने वाले, गर्भपात करने वाले और गुप्त रूप से पाप करने वाले हैं जो इस मार्ग में जाते हैं। जो गुरु के धन को हरण करने वाले, देवता अथवा ब्राह्मण का धन हरण करने वाले, हरण करने वाले मतलब चुराने वाले या लेने वाले या उनका हक रखने वाले, स्त्री द्रव्यहारी बाल द्रव्यहारी हैं, जो ऋण लेकर उसे न लौटाने वाले, जो कर्ज लेकर के नहीं लौटाते हैं उसके लिए भी, धरोहर का अपहरण करने वाले, विश्वासघात करने वाले, विषान देकर मार डालने वाले, यानी कि विष किसी को देकर के जहर देकर के मार डालने वाले, दूसरे के दोष को ग्रहण करने वाले,
दूसरे के दोष को ग्रहण करने वाले, गुणों की प्रशंसा न करने वाले, गुणवानों के साथ डाह रखने वाले, नीचों के साथ अनुराग रखने वाले। जो नीच होते हैं उनके साथ भाईचारा का व्यवहार रखना, उनके साथ भाईचारे के व्यवहार ना रहे आदमी चल, इससे कह दिया कि उच्च लोगों से विचार रखी, उच्च लोग से अपन साथ रखी, ओकरा साथ समाज बनाई, नीच लोग के साथ कभी ना रहे चाहिए। कहे कि यही तीसरा द्वार से, दक्षिण द्वार से ही ओकरा के जाए के मिलेगा। मूढ़ सतसंगति से दूर रहने वाले, जो तीर्थों, स्वजनों, सतकर्मों, गुरुजनों और देवताओं की निंदा करने वाले हैं, पुराण, वेद, मीमांसा, न्याय और वेदांत को दूषित करने वाले, गुरुजन के, देवी देवता के, पुराण, वेद, मीमांस, न्याय और वेदांत के जो दूषित करला, जो ओकर अवहेलना करला, जो गलत शब्द बोलला, वो शब्द खाती ओकर उस खाती यह द्वार बटे, दक्षिण द्वार। दुखी व्यक्ति को देखकर प्रसन्न होने वाले, प्रसन्न को दुख देने वाले, दुर्वचन बोलने वाले तथा सदा दूषित चित्त वृत्ति वाले हैं, जो हितकर वाक्य और शास्त्रीय वचनों को कभी न सुनने वाले, अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने वाले, घमंडी मूर्ख होते हुए अपने को विद्वान समझने वाले हैं, ये तथा अन्य बहुत पापों का अर्जन करने वाले अधर्मी जीव रात दिन रोते हुए यम मार्गों में जाते हैं। यम दूतों के द्वारा पीटे जाते हुए वे पापी वैतरणी की ओर जाते हैं और उसमें गिरते हैं। ऐसे उन पापियों के विषय में मैं तुम्हें बताता हूँ, जो माता पिता, गुरु आचार्य तथा पूज्य जनों को अपमानित करते हैं, वे मनुष्य वैतरणी में डूबते हैं। जो पुरुष पतिव्रता, सच्चे सचरित्र, उत्तम कुल में उत्पन्न, विनय से युक्त स्त्री को द्वेष के कारण छोड़ देते हैं, वे वैतरणी में पड़ते हैं। जो हजारों गुणों के होने पर भी शतपुरुषों में दोष का आरोपण करते हैं और उनकी अवहेलना करते हैं, वे वैतरणी में पड़ते हैं। सब गुण भरल होके, सब गुण भरल बा, आ कोई सतपुरुष बा, कोई साधु संत बा या कोई ज्ञानी बा, ओकर अवहेलना अगर करते हैं वह आदमी जा करके वैतरणी में गिर। यही से ज़्यादा ज्ञानी भैया से मतलब नहीं है, अगला के रोग सम्मान करी, अपने से बड़ बुजुर्ग के, साधु संत के, ब्राह्मण के ओकर आदर करी। वचन दे करके जो ब्राह्मण को यथार्थ रूप में दान नहीं देता है, तो आदमी के हाँ पंडित जी हम दे दे मुर्ग के, एक बात बोलते हैं पंडित जी मुर्ग के दे दे, फिर वो चीज़ ना दिलस, तो वो आदमी वो बेहतर नहीं बिगिर, तो जितना इच्छा बा बोलने की हाँ जी हम तरह के देते हैं ना, पंडित जी हम रुआ के 10 रुपये देते हैं, अभी 10 मिनट बाद दे काल देते हम ना, तो वो देहल एकदम निश्चित बा, अभी ना कि कह देनी है कहला के बाद ना देनी, यानी कि दान। वचन दे करके जो ब्राह्मण को यथार्थ रूप में दान नहीं देता है और बुला करके जो व्यक्ति नहीं है ऐसा कहता है, देखिए यह बात अगर नहीं है ऐसा कहता है, वे दोनों सदा वैतरणी में निवास करते हैं। स्वयं दी हुई वस्तु का जो अपहरण कर लेता है, दान लेकर पश्चाताप करता है, देखिए जो दूसरों के आजीविका का हरण करता है, दान देने से रोकता है, यज्ञ का विध्वंस करता है, कथा भंग करता है, क्षेत्र की सीमा का हरण कर लेता है और जो गोचर भूमि को जोतता है वह वैतरणी में पड़ता है। ब्राह्मण होकर रस विक्रय करने वाला विषलिका पति यानी कि शूद्र स्त्री का ब्राह्मण पति वेद प्रतिपादित यज्ञ के अतिरिक्त अपने लिए पशुओं की हत्या करने वाला ब्रह्म कर्म से च्युत मांस भोगी मद पीने वाला उच्छलंग स्वभाव वाला शास्त्र के अध्ययन से रहित ब्राह्मण वेद पढ़ने वाला शूद्र कपिला का दूध पीने वाला शूद्र यज्ञोपवीत धारण करने वाला शूद्र ब्राह्मणी का पति
बनने वाला शूद्र राज महिषी के साथ व्यभिचार करने वाला पराई स्त्री का अपहरण करने वाला कन्या के साथ कामाचार की इच्छा रखने वाला तथा जो सतीत्व नष्ट करने वाला है, ये सभी तथा इसी प्रकार और भी बहुत निषिद्ध चरण करने में उत्सुक तथा शास्त्र विहित कर्मों को त्यागने वाले में वे मूढ़ जन बैतरणी में गिरते हैं। अब देखिए इसमें जो है शूद्र मतलब छोटा अछूत ओकरा के मानी शूद्र के मतलब छोटा हो गए। तो इमें लिखल बा कथा भंग करता है क्षेत्र की सीमा का हरण करने वाला। क्षेत्र की सीमा मतलब हमारा लिमिट बाकी हमारा इतना में रहेगा, हम ओकरा के भंग करके आगे निकल गए। यानी कि हम ब्राह्मण बनी, हमारे काम पूजा पाठ करेंगे, मांस मदिरा करेंगे, बात यही बात। तो हम अपना क्षेत्र के सीमा में, क्षेत्र से सीमा से जाए तो हमारा भंग हो गए, हम शुद्ध हो गए, छोटा हो गए। फिर एक बार ये वेद प्रतिपादित यज्ञ के अतिरिक्त अपने लिए पशु की हत्या करने वाला। अब अपने स्वार्थ खाते जीव जंतु कोई भी ओकर हत्या कर देनी, ब्रह्म कर्म से चूत ब्रह्म कर्म हमारे बात हमारा ब्रह्म कर्म बा हम छोड़ करके दूसरा काम करते हैं वो करते मांस भोजन एक ही बात मध पीने वाला मध मतलब शराब। शास्त्र के अध्ययन से रहित ब्राह्मण यानी कि शास्त्र के ज्ञाता बानी हम ब्राह्मण वेद पढ़ने वाला शूद्र वेद पढ़े वाला भी अगर शूद्र हो जाओ तो वो सही ना। कपिला का दूध पीने वाला कपिला गाय के दूध ना पिए के कपिला मतलब काला गाय काला गाय के दूध ना पिए दूध पीने वाला शूद्र यज्ञोपवीत धारण करने वाला शूद्र यज्ञोपवीत धारण कर लिया बनिया शूद्र बने कौन थी यज्ञोपवीत जने हाँ यज्ञोपवीत जने को बोलते यज्ञोपवीत धारण करने वाला बने हम शूद्र के बुद्धि रखते थे वो बेकार बा वो आदमी बेहतर में जाकर देख रहे हैं। ब्राह्मणी का पति बनने वाला शूद्र ब्राह्मणी मतलब कि जे ब्राह्मण के भेष में बा वो मतलब है पराया आदमी से ओकरा कोनो संपर्क नहीं है कोई स्त्री के और ओकरा संगे मतलब है ओकर पति बनल लगल बनत आदमी तो वो आदमी शूद्र हो जाए। राज महिषी के साथ व्यभिचार करने वाला राज महिषी के मतलब है कि राज के जो महर्षि होलन उनका साथ अगर गलत व्यवहार करता आदमी ओकरा वो आदमी भी क्या बोला बेतरनी में जाला। फिर एक बार पराई स्त्री का अपहरण करने वाला दूसरा स्त्री के अगर अपहरण करते हुए दूसरा स्त्री के अगर अपहरण करता तो वो बेतरनी में जाकर के गिरेला। कन्या के साथ कामाचार की इच्छा करने वाला गलत दृष्टि रखे वाला तथा जो सतीत्व नष्ट करने वाला है जे सती बा जेकर पति मर चुकल बा आ वो विधवा भी है आ ओकरा पर गलत नजर अगर डालता तो वो जा करके बेहतर नहीं मिलेगा। ये सभी तथा इसी प्रकार और भी बहुत निषिद्ध चारण करने में उत्सुक तथा शास्त्र विहित कर्मों को त्यागने वाले वे मूढ़ जन बेहतर नहीं गिरते। सभी मार्गों को पार करके पापी यम के भवन में पहुंचते हैं और पुनः यम की आज्ञा से आकर दूत लोग उन्हें वैतरणी में फेंक देते हैं। हे खगराज यह वैतरणी नदी कष्ट प्रदान करने वाले सभी प्रमुख नरकों में भी सर्वाधिक कष्टप्रद है। ये वैतरणी नदी जौन बा बहुत कष्ट के प्रदान करने वाला बा। यही नदी में खगराज के जो यमदूत लोग बालो यमदूत जौन बालो वो आकर के या खींच करके वही में डाल दे वाले फेंक दे वाले इसलिए यमदूत पापियों को उस बैतरणी में फेंकते हैं। जिसने अपने जीवन काल में कृष्णा यानी काली गौ का दान नहीं किया जिसने अपने जीवन काल में कृष्णा यानी कि काली काली गौ का दान नहीं किया अथवा मृत्यु के पश्चात मरला के बाद जिसके उद्देश्य से बांधो द्वारा
काली गाय को नहीं दी गई, यानी बांधो मतलब भाई के या कोई हित बंधु जो भी हो गया, तथा जिसने अपनी औधर्य दैहिक क्रिया नहीं कर ली, जिसके उद्देश्य से क्रिया नहीं की गई हो, वे वैतरणी में महान दुख भोग करके वैतरणी तट स्थिति सालमली वृक्ष में जाते हैं। ये सालमली वृक्ष जो काल सुन लगनी है, वे सालमली वृक्ष में जालों में बांध करके उल्टे लगता हो जाएगा कल बतौल नहीं था। जो झूठी गवाही देने वाले, झूठी गवाही अगर कोई के कोनो केस सुधा या कोई की कोनो बात में तो हमें अगर झूठी गवाही दे देनी रोको कहते धर्म पालन का ढोंग करने वाला। हम धार्मिक बानी, हम पंडित बानी, ढोंग करते नहीं, पीछे कुछ और करते नहीं, तो वो हमारे खाते ठीक ना। अच्छा, छल से धन अर्जन करने वाले, दूसरा का धन अगर अर्जन करते नहीं, छीनते नहीं या हड़प लेते नहीं छल से, ओकरे खाते। चोरी द्वारा आजीविका चलाने वाले, चोरी करके और अपन जीवन चलावते नहीं। अत्यधिक वृक्षों को काटने वाले, वृक्ष के भी ना कटे ले इसे। वन और वाटिका को नष्ट करने वाले, व्रत और तीर्थ का परित्याग करने वाले, व्रत और तीर्थ जो व्यक्ति ना कर ला उकर खाती। विधवा के सील को नष्ट करने वाले हैं। जो स्त्री अपने पति को दोष लगाकर और पुरुष में आसक्त होने वाली हैं, ये सभी और इस प्रकार के अन्य पापी भी सालमली वृक्ष द्वारा बहुत तारणा प्राप्त करते हैं। पीटने से नीचे गिरे हुए उन पापियों को यमदूत नरकों में फेंकते हैं। उन नरकों में जो पापी गिरते हैं उनके विषय में मैं तुम्हें बताता हूँ। वेद की निंदा करने वाले नास्तिक, नास्तिक मतलब कि हर काम से वो अलग, स्त्रियों, छोटे बच्चों, नौकरों तथा श्रेष्ठ जनों को छोड़कर एवं पितरों और देवताओं की पूजा का परित्याग करके जो भोजन करते हैं वे नरकगामी होते हैं। मैं बता रहा हूँ कि स्त्रियों के, छोटे बच्चों के, नौकर के, अश्रेष्ठ जन के छोड़कर एवं पितरों का देवताओं की पूजा, पितर आप देवता, पितर मतलब जो हमने के पूर्वज लोग मर चुका होगा ऊपर के पितर बोलेंगे, पितरों के देवताओं की पूजा का परित्याग करके जो भोजन करते हैं। अभी लोग परित्याग करके हम भोजन करते हैं, अब आज तिथि बा, तिथि मनावे के बा, तिथि ना मना करके वो दिन हम अपने भोजन करते हैं ओकरो खाते। वे नरक गामी होते हैं, उन नरक में जाए वाला रास्ता बना देते हैं। जो मार्ग को कीलों से, फूलों से, लकड़ियों से तथा पत्थरों एवं कांटों से रोकते हैं उन्हें ही वे नरक गामी हैं, निश्चय ही वे नरक गामी होते हैं। यही से पता चला कि कांटी वगैरह रास्ता वगैरह में कहीं ना फेंका करके चाहिए, या कहीं जैसे कील लगा दे वो जहाँ तहाँ, बदमाशी तो बहुत लोगों को कर ला, जैसे कील लगा ली रास्ते में कि हाँ ये पर आस आस में पत्थर लगा दिए हाँ रास्ते पर मतलब ये सब खाती भाई। जो मार्ग को कीलों से, फूलों से, लकड़ियों से तथा पत्थरों एवं कांटों से रोकते हैं निश्चय ही वे नरकगामी होते हैं। जो मंद पुरुष भगवान शिव, भगवती शक्ति, नारायण, सूर्य, गणेश, सदगुरु और विद्वान इनकी पूजा नहीं करते हैं वे नरक में जाते हैं। दासी को अपनी शैया पर आरोपित करने से ब्राह्मण अधोगति को प्राप्त होता है और शुद्रा में संतान उत्पन्न करने से वह ब्राह्मणत्व से ही च्युत हो जाता है, यानी कि अधोगति के प्राप्त करे खातिर दासी के अपना शैया पर, दासी के अपना घर में बुला करके शादी कर लेला सा, मतलब ओकरा साथ जीवन व्यतीत करता तो अधोगति के प्राप्त कर ला, तो उस शुद्रा में संतान उत्पन्न कर ला ठीक बा, वह ब्राह्मणत्व से च्युत हो जाता है यानी कि अलग हो जाता है, ब्राह्मणत्व में ना रहेगा। वह ब्राह्मणाधम कभी भी नमस्कार के योग्य नहीं होता, वो ब्राह्मण के कभी नमस्कार ना करके चाहिए। तिलकहीन, तिलक विहीन ब्राह्मण के भी, जो मूर्ख ऐसे ब्राह्मण की पूजा करते हैं वे नरकगामी होते हैं। अगर हुआ पता बा या सब कोई जानता है कि हाँ फलाना ब्राह्मण जे बा वो ए तरह के गलत आदमी बा, ओकरा संगे ऐसन बात बा ओकरा के प्रणाम तक ना करेगी चाहिए। जो मूर्ख ऐसे ब्राह्मण की पूजा करते हैं वे नरकगामी होते हैं।
दूसरों के कलह से प्रसन्न होने वाले जो मनुष्य ब्राह्मणों के कलह और गौओं की लड़ाई को नहीं रुकवाते हैं, प्रत्युत ऐसा देखकर प्रसन्न होते हैं अथवा उनका समर्थन करते हैं, बढ़ावा देते हैं, वे अवश्य ही नरक में जाते हैं। जिसका कोई दूसरा शरण नहीं है, ऐसी पति पलायन स्त्री के ऋतुकाल की द्वेषवश उपेक्षा करने वाले निश्चित ही नरकगामी होते हैं। इनके मल को आग में, जल में, वन में, जंगल में, मार्ग में यानी कि रास्ते में अथवा गौशाला में, गौशाला मतलब जहाँ पे गाय का पालन होता है वहाँ, वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। जो हथियार बनाने वाले, बाण और धनुष का निर्माण करने वाले तथा इनका विक्रय करने वाले हैं, वे नरकगामी होते हैं। जो हथियार बनावेला, जो बाण धनुष के निर्माण करेला तथा एकरा के बेचेला, क्या है कि वो से जब भी हुई तो उसे हत्या ही हुई। चमड़ा बेचने वाले, वैश्य केश योनि का विक्रय करने वाली स्त्रियां तथा विष का विक्रय करने वाले, वे सभी नरक में जाते हैं। जो अनाथ के ऊपर कृपा नहीं करते हैं, क्षत पुरुषों से द्वेष करते हैं और निरपराध को दंड देते हैं, वे नरकगामी होते हैं। आशा लगाकर घर पर आए हुए ब्राह्मणों और याचकों को पाक संपन्न भोजन के बने रहने पर भी जो भोजन नहीं कराते, वे निश्चय ही नरक प्राप्त होते हैं। जो सभी प्राणियों में विश्वास नहीं करते और उन पर दया नहीं करते तथा जो सभी प्राणियों के प्रति कुटिलता का व्यवहार करते हैं, वे निश्चय ही नरकगामी होते हैं। जो सभी प्राणियों में विश्वास नहीं करते, सभी प्राणी में जो विश्वास ना करे, उन पर दया नहीं करते, अगर ऊपर दया भी ना करे, तथा जो सभी प्राणियों के प्रति कुटिलता का व्यवहार करते हैं, कुटिलता का मतलब है जी गलत व्यवहार, हाँ कटीला व्यवहार करेला, वे निश्चय ही नरगामी होते हैं, वे एकदम वो नरगामी बोला। जो अजितेंद्रिय पुरुष नियमों को स्वीकार करके बाद में उन्हें त्याग देते हैं, वे नरकगामी होते हैं। और जितेंद्रिय मतलब होला जितेंद्र, जेकरा के जीत ना सके आदमी, और जितेंद्र के मतलब जेकरा के जीत ना सके कोई, वैसन पुरुष के नियम के स्वीकार करके बाद में ओकरा के त्याग देवेला, वो नरकगामी होला। जो अध्यात्म विद्या प्रदान करने वाले गुरु को नहीं मानते और जो पुराण वक्ता को नहीं मानते, वे नरक में जाते हैं। जो व्यक्ति मित्र से द्रोह करते हैं, जो व्यक्ति की आपसी प्रीति का भेदन करते हैं तथा दूसरों की आशा को नष्ट करते हैं, वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। विवाह को भंग करने वाला, देव यात्रा में विघ्न करने वाला तथा तीर्थ यात्रियों को लूटने वाला घोर नरक में वास करता है। विवाह को भंग करने वाला मतलब कोई के विवाह काटे के ना चाहिए, फलाना ऐसा बह, फलाना लड़की ऐसा भी है, फलाना लड़का ऐसा बह, ये सब ना बोलेगा चाहिए, विवाह के भंग के लेकर के बोलेंगे। विवाह को भंग करने वाला, देव यात्रा में विघ्न करने वाला, अगर कोई जा रहा होगा कोई धाम पर जा रहा होगा, उसमें अगर विघ्न डालता नहीं, वो आदमी नरक में जाला। तीर्थ यात्रियों को लूटने वाला, अब तीर्थस्थल में कोई निकल गया और पैकेट काट लेनी, जेब काट लेनी ना, सामान चुरा लेनी, ये सब बात है। तीर्थ यात्रियों को लूटने वाला घोर नरक में वास करता है और वहाँ से उनका पुनरावर्तन होता है। पुनरावर्तन मतलब कि फिर से वो नरकगामी हो जाएगा, वो आदमी का होगा फिर से नरकगामी हो जाएगा। जो महापापी घर, गांव तथा जंगल में आग जलाता है, यमदूत उसे लेकर जाकर अग्नि कुंडों में पकाते हैं। यही से पता चला कि जंगल में आग ना लगा होते, हरा वृक्ष पेड़ पौधा ना जला होते चाहिए। जो इस अग्नि से जले हुए अंग वाला वह पापी जब छाया की याचना करता है, तो यमदूत उसे औषधपत्र नामक वन में ले जाते हैं, जहां तलवार के समान तीक्ष्ण पत्तों से उसके अंग जब कट जाते हैं, तब यमदूत उससे कहते हैं, रे पापी, शीतल छाया में सुख की नींद सो। जब वह प्यास से व्याकुल होकर जल पीने की इच्छा से पानी मांगता है,
तो दूतों के द्वारा उसे खोलता हुआ तेल में तेल पीने के लिए दिया जाता है। पानी पियो और अन्न खाओ, ऐसा उस समय उसके द्वारा कहा जाता है। उस अति उष्ण तेल के पीते ही उसकी आंतें जल जाती हैं और वे गिर पड़ते हैं। किसी प्रकार पुनः उठकर अत्यंत दीन की भांति प्रलाप करते हैं, प्रलाप मतलब रोते हैं, विवश होकर उधर्व श्वास लेकर, उधर्व श्वास मतलब गहरी सांस, ऐसे करके वे कुछ कहने में भी समर्थ नहीं होते। हे ताक्ष, इस प्रकार की पापियों की बहुत सी यातनाएं बताई जाती हैं या बताई गई हैं, विस्तार पूर्वक इन्हें कहने की क्या आवश्यकता। इनके संबंध में सभी शास्त्र उस पाप का अक्षय फल भोग कर पुनः वही पैदा होते हैं और यम की आज्ञा से पृथ्वी पर आकर स्थावर आदि योनियों को प्राप्त होते हैं। वृक्ष, गुल्म, लता, बल्ली, गिरी, गिरी मतलब पर्वत, तथा तृण आदि ये स्थावर योनियां कही गई हैं। ये अत्यंत मोह से आवृत्त हैं। कीट, पशु पक्षी, जलचर तथा देव, इन योनियों को मिलाकर 84 लाख योनियां कही गई हैं। देखिए मैं ये पाप कर्म जो भी कर ला, वो पृथ्वी पर यम की आज्ञा से आकर के अस्थावर आदि योनियों में प्राप्त कर ला। अस्थावर, अस्थावर के मतलब है वृक्ष, गुल्म, लता, बल्ली, पर्वत, पर्वत मतलब पहाड़, तथा तृण, तृण मतलब कि नदी आदि से अस्थावर योनियों कही गई हैं। यह अस्थावर मतलब कि जीव में परिवर्तित हो जला दी। मनुष्य जीवन बहुत कष्ट से मिलेगा, कहल जला ना पूरी चीज़ देखिए। यहाँ पे बता रहा हूँ कि इस पाप कर्म क्रिया से यम का कर यह उनका क्या आज्ञा दे कि जा तू अब तार सब फल भोगला ना और पृथ्वी पर जा, अब ये सब योनि में जन्म लो। तो मैं योनि कौन कौन बात है, वृक्ष, गोल्म, लता, बढ़िया कुछ नहीं, बढ़िया कुछ नहीं थे, गिरी यानी कि पर्वत, त्रिवेण यानी कि नदी आदि, ये सब स्थावर योनि में उन लोगों के जन्म हुआ। ये अत्यंत मोह से आवृत्त हैं। कीट, पशु पक्षी, जलचर तथा देव, इन योनियों को मिलाकर 84 लाख योनियां कही गई हैं। इस सब योनि मिलाकर के 84 लाख योनि पार कर लागे तब मनुष्य के जीवन प्राप्त होगा। इन सभी योनि में घूमते हुए जीव मनुष्य योनि प्राप्त करते हैं और मनुष्य योनि में भी नरक से आए व्यक्ति चंडाल के घर में जन्म लेते हैं। नरक से अयला के बाद कहाँ जी आदमी, तो सीधे चंडाल के घर में, अच्छा घर में प्रवेश ना करी बात ना। तथा उनमें भी कुष्ठ आदि पाप चुनने से चिन्हों से वे बहुत दुखी रहते हैं। कहल जला मेरी पापन पता ना कौन पाप कर्म कैले बने ये जन्म में ही फल होते रहे, तो वह जन्म हमने के हम नरक वाला जोन की हमने के दक्षिण द्वार से जा कर के घूमत उमत आ करके फिर यहाँ मनुष्य योनि में जन्म ले बस, और जन्म लेला के बाद भी शरीर से कष्ट, कुष्ठ रोगी वगैरह बा आदमी चंडाल के घर में जन्म लेला बस न। किसी को गलित कुष्ठ हो जाता है, कोई जन्म से अंधे होते हैं और कोई महारोग से व्यथित होते हैं। इस प्रकार पुरुष और स्त्री में पाप के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। बहुत सटीक बातें मैं बोल लेगा, सुने में तो बहुत खराब लगे। मान लीजिए अगर हमारे अगर कोई दिक्कत बा तो हमारे सुने में खराब लगी प्रकृति न, कि भाई यहाँ जो लिख रहा बा कोई जन्म से अंधे होते हैं, कोई बच्चा जन्म ले वाला अंधा रहला तो अपने पाप कर्म के अनुसार फल भोगता है। गलती हो करे बा, लेकिन कहाँ से गलती हुआ, पूर्व जन्म से, क्यों दक्षिण द्वार से प्रवेश के लिए बा, सीधे बेहतर नहीं गई बा, काहे को ओकर पाप कर्म ऐसा पिछला जन्माने में हुई, पिछला समय जिंदगी में हुई, अब वो आकर के सीधे वो सब यातना भोगते हुए और फिर मनुष्य के जीवन ले ले बा, तो अंधा भइल बा, कोढ़ी भइल बा, लंगड़ा भइल बा, या और भी कष्ट से व्यतीत बा, और कोई महारोगों से व्यतीत होते हैं। इस प्रकार पुरुष और स्त्री में पाप के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सर्वद्वार में नरक प्रताप चिन्ह रूपी निरूपण नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।
अब पांचवा अध्याय में कर्म विपाकवश, कर्म विपाकवश मनुष्य को अनेक योनियों और विविध रोगों की प्राप्ति होती है। जैसे हमने के कोई कर्म करेल आदमी ओकरा वश मनुष्य के अनेक योनि के प्राप्त होला, अनेक योनि मिलेला, उनमें अनेक प्रकार के रोग के प्राप्ति भी होला। अब ओकरा बारे में हमने के श्रवण कर्म से ए नहीं न च पापे न यद्य चिन्ह प्रजायते यांग यांग योति च योनि च गच्छन्ति तन्नमे कथय केशव। गरुड़ जी ने कहा हे केशव, जिस जिस पाप से जो जो चिन्ह प्राप्त होते हैं और जिन जिन योनि में जीव जाते हैं वह मुझे बतलाइए। अब इनमें हमने के ये पता लगे कि कौन पाप कैला से और कौन कर्म होला, हमने के कौन हमने के फल भोग के मिलेला, कौन योनि में जाला आदमी, उस सब में जानकारी मिली। श्री भगवान ने कहा नरक से आए हुए पापी जिन पापों के द्वारा जिस योनि में जाते हैं और जिस पाप से जो चिन्ह होता है वह मुझसे बताएं, सुनो वह मुझसे सुनो। ब्रह्म हत्यारा क्षय रोगी होता है, ब्रह्म हत्यारा क्षय रोगी होता है, गाय की हत्या करने वाला मूर्ख और कुबरा होता है, समझ में आता। कन्या की हत्या करने वाला कोढ़ी होता है और ये तीनों पापी चंडाल योनि को प्राप्त करते हैं। ब्रह्म हत्यारा, गाय के हत्या, मूर्ख, अच्छा कन्या के हत्या, ये तीन गो चीज, ये तीनों चीज कैले के बाद आदमी पापी चंडाल योनि में प्राप्त करेगा। स्त्री की हत्या करने वाला तथा गर्भपात कराने वाला भिल होकर रोगी होता है, पर स्त्री गमन करने वाला, नपुंसक और गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला चर्म रोगी होता है। चर्म रोगी मतलब कि चमड़ा संबंधी कोई भी बीमारी। मांस का भोजन करने वाला, मांस का भोजन करने वाले का अंग अत्यंत लाल होता है, मध्य पीने वाले के दांत काले कपीश वर्ण के होते हैं, लालचवश अभक्षय भक्षण करने वाले ब्राह्मण को महोदर रोग होता है, जो दूसरे को दिए बिना मिष्ठान खाता है उसे गले में गंडमाल रोग होता है, श्राद्ध में अपवित्र अन्न देने वाला श्वेत कुष्ठि होता है, गर्भ से गुरु का अपमान करने वाला मनुष्य मिर्गी का रोगी होता है, वेद शास्त्र की निंदा करने वाला निश्चित ही पांडु रोगी होता है, पंक्ति भेद करने वाला काना, विवाह में विघ्न करने वाला, काना मतलब समझ में आता ना, विवाह में विघ्न करने वाला व्यक्ति कुष्ठ रहित और पुस्तक चुराने वाला जन्मांग होता है, गाय और ब्राह्मणों को पैर से मारने वाला लूला लंगड़ा होता है, झूठ बोलने वाला लकड़हाड़ा हल्का पर बोलता है तथा झूठी बात सुनने वाला बहरा होता है। झूठ बोला हो कहना चाहिए, झूठ सुना हो कहना चाहिए, झूठ बोलना पर हल्का के बोलिए, जे झूठ सुने ला वो बहिर हो जाए, झूठ सुना हो कहना चाहिए। विष देने वाला मूर्ख और उन्मत यानी कि पागल तथा आग लगाने वाला खलबाट यानी कि गंजा होता है, पल यानी कि मांस बेचने वाला अभागा मतलब जेकर कोई संतान या कोई अपन ऊपर के ना हो, और दूसरे का मांस खाने वाला रोगी होता है, रत्नों का अपहरण करने वाला हीन जाति में उत्पन्न होता है, सोना चुराने वाला नख रोगी मतलब नाखून से रोगी होता है, और अन्य धातुओं को चुराने वाला निर्धन होता है, अन्न चुराने वाला चूहा और धान चुराने वाला शलभ मतलब टिड्डी होता है, जल की चोरी करने वाला चातक और विष का व्यवहार करने वाला वृश्चिक यानी बिच्छू होता है, शाकपात चुराने वाला मयूर होता है, शुभ गंध वाली वस्तुओं को चुराने वाला छिछुंदरी होता है, मधु चुराने वाला डांस होता है, मांस चुराने वाला
गिद्ध और नमक चुराने वाला चींटी होता है। तांबुल, तांबुल मतलब पान सुपारी सब तांबुल बोलते हैं। तांबुल फल तथा पुष्प आदि की चोरी करने वाला वन में बंदर होता है। जूता, घास तथा कपास को चुराने वाला भीरियों में उत्पन्न होता है। जो रौद्र कर्म यानी कि क्रूर कर्म से आजीविका चलाने वाला है वह मार्ग में यात्रियों को लूटता है, और जो आखेट का व्यसन करने वाला है वह कसाई के घर का बकरा होता है। विष पीकर मरने वाला पर्वत पर काला नाग होता है। जिसका स्वभाव अमर्यादित है वह निर्जन वन में हाथी होता है। निर्जन वन मतलब कि जहाँ पे कोई न हो वहाँ पे हाथी होता है। बलि वैश्व देव न करने वाले तथा सब कुछ खा लेने वाले द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और बिना परीक्षण किए भोजन कर लेने वाले व्यक्ति निर्जन वन में व्याघ्र होते हैं। जो ब्राह्मण गायत्री का स्मरण नहीं करता और जो संध्या उपासना नहीं करता, जिसका अंतः स्वरूप दूषित तथा ब्रह्म स्वरूप साधु की तरह प्रतीत होता है, वह ब्राह्मण बगुला होता है। जिनको यज्ञ नहीं करना चाहिए उनके यहाँ यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण गांव का शुगर होता है। जिनको यज्ञ नहीं करना चाहिए उनके यहाँ यज्ञ करने वाला ब्राह्मण गांव का शुगर होता है। क्षमता से अधिक यज्ञ कराने वाला गदर्भ, क्षमता से अधिक अगर यज्ञ करते हैं तब गदर्भ हुए गदर्भ मतलब गदर्भ। तथा बिना आमंत्रण के भोजन करने वाला कौवा होता है। जो शतपात्र शिष्य को विद्या नहीं प्रदान करता है, जो मतलब जो शिष्य शिक्षा लेने के योग्य बा अगर विद्या प्रदान नहीं करते वह ब्राह्मण बैल होता है। वो बैल होगा। गुरु की सेवा न करने वाला शिष्य बैल, गुरु की सेवा न करने वाला शिष्य बैल और गद्दा होता है। गुरु के प्रति अपमान के तात्पर्य से हम या तुम शब्दों का उच्चारण करने वाला और वाद विवाद में ब्राह्मणों को पराजित करने वाला जल विहीन अरण्य में ब्रह्म राक्षस होता है। प्रतिज्ञा करके द्विज को दान न देने वाला सियार होता है। प्रतिज्ञा कर लिया उसके बाद से द्विज को जो भी व्यक्ति है उसको दान नहीं करते हैं तो सियार होता है। शत पुरुषों का अनादर करने वाला व्यक्ति अग्निमुख सियार होता है। मित्र से द्रोह करने वाला पर्वत का गिद्ध होता है, और क्रय में धोखा देने वाला उल्लू होता है। वर्णाश्रम की निंदा करने वाला वन में कपोत होता है। कपोत मतलब मित्र से द्रोह करने वाला पर्वत का गिद्ध होता है। जे मित्र से द्रोह करी वो पर्वत के गिद्ध हो यानी कि वन में जो आश्रम होगा ओकर निंदा करे वाला, मतलब जैसे वन में गई वन में जाकर के कोई आश्रम भी मिला था छोटा मोटा तो हमारा से रहे नहीं वो टाइप से भी अगर कोई करता है तो वो वन में कपोत होला। कपोत के मतलब जहाँ कोई मिले ना, जरा से कोई मिले ना वैसा व्यक्ति बने के पड़ेगा। आस पास में कोई ना मिले से कोई से कपोत। आशा को तोड़ने वाला और स्नेह को नष्ट करने वाला, द्वेषवश स्त्री का परित्याग कर देने वाला बहुत काल तक चक्रवात यानी कि चकोर होता है। माता पिता गुरु से द्वेष करने वाला तथा बहन और भाई से शत्रुता करने वाला हजारों जन्मों तक गर्भ में या योनि में नष्ट होता रहता है। सास ससुर को अपशब्द कहने वाली स्त्री तथा नित्य कलह करने वाली स्त्री जलौका यानी कि जल जोक होती है, और पति की भर्त्सना करने वाली नारी जू होती है। अपने पति का परित्याग करके पर पुरुष का सेवन करने वाली स्त्री
बलगुनी यानी कि चमगदड़िनी होती है या छिपकलनी अथवा दो मुंह वाली सर्पणी होती है। स्वगोत्र की स्त्री के साथ संबंध बनाकर अपने गोत्र को विनष्ट करने वाला तरक्ष यानी कि लकड़बग्घा और शल्क शाही पाको शाही स्वगोत्र की स्त्री के साथ स्वगोत्र मतलब बोला कि अपना गोत्र में अपने गोत्र में स्त्री के साथ संबंध बनाकर यानी कि शादी विवाह बना करके अपने गोत्र को विनष्ट करने वाला तरक्ष, तरक्ष के मतलब लकड़बग्घा और शल्लक अपन गोत्र में ना करना चाहिए शादी ना, एमे गोत्र के विनष्ट करने वाला बतावत है कि जे ई सब गोत्र के विनष्ट करला अपना गोत्र में शादी करला या संबंध कोई बनावेला तो लकड़बग्घा होला और शल्लक, शल्लक मतलब शाही होकर रिक्ष योनि में जन्म लेता है। रिक्ष योनि मतलब राक्षस योनि में जन्म लेवला। तापसी के साथ व्यभिचार करने वाला कामी पुरुष मरु प्रदेश में पिशाच होता है और अप्राप्त यौवन से संबंध करने वाला वन में अजगर होता है। गुरु पत्नी के साथ गमन की इच्छा रखने वाला मनुष्य गिरगिट होता है। राज पत्नी के साथ गमन करने वाला ऊंट और मित्र की पत्नी के साथ गमन करने वाला गद्दा होता है। गुदा गमन करने वाला डिस्टर्ब होगी सुअर तथा शुद्रागामी बैल होता है। जो महाकामी होता है वह कामलपट्ट घोड़ा होता है। किसी के मरण शौच में एकादशत्र भोजन करने वाला कुत्ता होता है। देव द्रव्य भोक्ता देवलक ब्राह्मण मुर्गी की योनि प्राप्त होता है। किसी के मरना सोच में एकादशत यानी कि एकादशी तक जब तक महापात्र ना खाए, जब तक महापात्र ना खाए ऊपर पहले अगर कहीं भोजन करता तो ऊपर जन्म कुत्ता के होगा। जो ब्राह्मण धन द्रव्याजन के लिए देवता की पूजा करते हैं, अब देखिए वह देव देवलक कहलाता है। जो ब्राह्मण द्रव्यार्जन के लिए यानी कि पैसा खाती पूजा करते नहीं भगवान, अगर ऐसा मन में रख करके पूजा करता है तो ओकर देवता के तो वह देवलक कहलाता। देवलक मतलब कि जो लोक से अलग, देवता लोक से अलग भव, ब्राह्मण के देवता माना गया। गाय, ब्राह्मण और तुलसी ये तीनों के एक माना गया। वो पद से हट जाएगा जे पैसा खाती पूजा करता है, जे पैसा खाती पूजा पाठ भगवान के करता है जो ब्राह्मण, वो ब्राह्मण पद पर ना रहेगा। वह देव कार्य तथा पितृ कार्य के लिए निंदनीय है। ओकरा से कोनो देव कार्य और पितृ कार्य निंदनीय हो जाए यानी कि ओकरा से अलग हो जाए। महापातक से प्राप्त अत्यंत घोर एवं दारुण नरकों का भोग प्राप्त करके महापात की व्यक्ति कर्म के क्षय होने पर पुनः इस मत्य लोक में जन्म लेते हैं। ब्रह्म हत्यारा गधा ऊंट और महिषी की योनि प्राप्त करता है तथा सुरापान करने वाले भेड़िया कुत्ता एवं सियार की योनि में जाते हैं। स्वर्ण चुराने वाला कृमि, कृमि मतलब कि कीड़ा कीट तथा पतंग की योनि प्राप्त करता है। गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाला क्रमशः तृण गुल्म तथा लता होता है। पर स्त्री का हरण करने वाला, धरोहर का हरण करने वाला तथा ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। ब्राह्मण का धन कपट स्नेह से खाने वाला सात पीढ़ियों तक अपने कुल का विनाश करता है और बलात्कार तथा चोरी के द्वारा खाने पर जब तक चंद्रमा और तारकों की स्थिति होती है तब तक वह अपने कुल को जलाता है। लोहे और पत्थर के चूर्ण तथा विष को व्यक्ति पचा सकता है, पर तीनों लोकों में ऐसा कौन व्यक्ति है जो ब्राह्मणस्व यानी कि ब्राह्मण के धन को पचा सकता है। ब्राह्मण के धन से पोषित की गई
सेना तथा वाहन युद्ध काल में बालू से बने सेतु बांध के समान नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। देव द्रव्य का उपभोग करने से अथवा ब्रह्म स्वरूप का हरण करने से या ब्राह्मण का अतिक्रमण करने से कुल पतित हो जाता है। कुल पतित के मतलब कि नाश हो जाएगा, कुल के नाश हो जाएगा, कुल आगे ना। अपने आश्रित वेद शास्त्र पढ़ाए और ब्राह्मण को छोड़कर अन्य ब्राह्मण को दान देना ब्राह्मण का अतिक्रमण करना कहलाता है। वेद वेदांग के ज्ञान से रहित ब्राह्मण को छोड़ना अतिक्रमण नहीं कहलाता है, क्योंकि जलती हुई आग को छोड़कर भस्म में आहुति नहीं दी जाती। क्या बताओ सर? देव देवांग के ज्ञान से रहित ब्राह्मण को छोड़ना, देव देवांग के ज्ञान से रहित ब्राह्मण ओकर के छोड़े के ना चाहिए, अतिक्रमण ना कहलाया, क्योंकि जलती हुई आग को छोड़कर भस्म में आहुति ना देना। जलती हुई आग में आहुति दे सकल है, लेकिन जब आग बुझ जाइयो में आहुति ना दे सकल। हे ताक्ष, यही से हमने के जब भी होम वगैरह करवाए आदमी, तो जब होम समाप्त आदमी कर लिया सबसे लास्ट में सब जब डाले ना हमने के बारे में ऐसे करके, तो ओकरा बाद अगर कोई फोन करे आला तो बोले ना 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 हुई, यानी कि अब समाप्त हो गई, अब ओकर राख बचल बा ओमे तरस ना। अब एकरा बाद बा, हे ताक्ष, ब्राह्मण का अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति नरकों को भोगकर क्रमशः जन्मांग एवं दरिद्र होता है। वह कभी दाता नहीं बन सकता, अपितु याचक ही नहीं रहता है। कहते हैं कि ब्राह्मण के अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति नरक के भोग करके क्रमशः जन्मांग एवं दरिद्र होता है। जन्म से अंधा, जन्मांध के मतलब जन्म से अंधा एवं दरिद्र होता है। वह कभी दाता नहीं बन सकता, अपितु याचक ही रहता है। वो कबो देवे वाला ना बने, याचना ही करे वाला रहे, कोई से इच्छा ही करे कि हाँ हमारा से हमारा कोई से मिल जाए, ये भरोसा रहे ओकरा होबे ना करी कि कोई के दीजिए। अपने द्वारा दी हुई अथवा दूसरे द्वारा दी गई पृथ्वी को जो छीन लेता है वह 60,000 वर्षों तक विष्टा का कीड़ा होता है। अपने द्वारा दी गई, जैसे हम कोई के दे देनी जमीन दे देनी धन बोए वोए खाती चाहे जे भी खाती घर बनाए खाती रहे खाती, या दूसरे के द्वारा ले लेल आदमी और ओकर के अगर कोई दूसरा कोई छीन लेलस, तो वो आदमी वर्षों तक, हजार वर्षों तक, 60,000 वर्षों तक विष्टा का कीड़ा होता है। विष्टा मतलब नरक, नरक का कीड़ा होता है, जो स्वयं कुछ देर पुनः स्वयं ले भी सक लेता है वह पापी एक कल्प तक नरक में रहता है। जीविका अथवा भूमि का दान देकर यत्न पूर्वक उसकी रक्षा करनी चाहिए। जो रक्षा नहीं करता प्रत्युत उसे हर लेता है, वह पंगु, पंगु यानी कि लंगड़ा कुत्ता होता है। अगर जे भूमि के दान देते हुए ओकरा यत्न पूर्वक अगर रक्षा नहीं करता आदमी, तो जे रक्षा नहीं करे तो वो प्रत्युत उसे हर लेता है। ब्राह्मणों को आजीविका देने वाला व्यक्ति 1,00,000 गोदान का फल प्राप्त करता है, और ब्राह्मणी की वृत्ति का हरण करने वाला बंदर, कुत्ता तथा लंगूर होता है। हे खगेश्वर, प्राणियों को अपने कर्मों के अनुसार लोक में पूर्वोक्त योनियों तथा शरीर पर चिन्ह देखने को मिलता है। इस प्रकार दुष्कर्म यानी कि पाप करने वाला जीव नरकीय यातनाओं को होकर अवशिष्ट प्राप्त को भोगने के लिए इन पूर्वोक्त योनियों में जाते हैं। इसके बाद हजारों जन्मों तक त्रियक यानी कि पशु पक्षी का शरीर प्राप्त करके वे बोझा ढोने आदि कार्यों से दुख प्राप्त करते हैं। फिर पक्षी बनकर वर्षा, शीत तथा आतप यानी कि घाम से दुखी होते हैं। इसके बाद अंत में जब पुण्य और पाप बराबर हो जाते हैं तब मनुष्य की योनि मिलती है। स्त्री पुरुष के संबंध से वह गर्भ में उत्पन्न होकर क्रमशः गर्भ से लेकर मृत्यु तक के दुख प्राप्त करके पुनः मर जाते हैं। इस प्रकार सभी प्राणियों का जन्म और विनाश होता है। यह जन्म मरण का चक्र चारों प्रकार की सृष्टि में चलता रहता है। मेरी माया से प्राणी रहत यानी कि घटी यंत्र की भांति ऊपर नीचे की योनि में भ्रमण करते हैं। घटी यंत्र मतलब कि घड़ी,
घड़ी कैसे चल रही है, हमेशा अपन काल चक्र चलत रहता है। ठीक वैसे ही ऊपर नीचे की योनियों में भ्रमण करते रहते हैं, ये सारा योनि एकदम घूमत रहे, अपना कर्म के अनुसार घूमत रहे। कर्म पास से बंधे रहकर कभी वे नरक में और कभी भूमि पर जन्म लेते हैं। बात ये हो गया, अब ये बता रहा था, दान न देने से प्राणी दरिद्र होता है, दरिद्र हो जाने पर फिर पाप करता है, पाप के प्रभाव से नरक में जाता है और नरक से लौटकर पुनः दरिद्र और पुनः पापी होता है। प्राणी के द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोग उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है, क्योंकि सैकड़ों कल्पों से बीत जाने पर भी बिना भोग के कर्म फल का नाश नहीं होता है। बता रहे हैं कि प्राणी के द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्म के फल भोगे के पड़ेगा, ओकरा अवश्य ही भोगे पड़ेगा, काहे कि सैकड़ों कल्पों के बीत जाने के बाद क्योंकि सैकड़ों कल्पों के बीत जाने पर भी भोगे के कर्म फल का नाश नहीं होता है। अब इतना घूमने के बाद भी कर्म फल के नाश ना हुए, जब तक अच्छा अशुभम कर्म अगर ना करी आदमी तब तक हमी के बढ़िया योनि में प्राप्ति ना हो। यही से कहा जाए कि अच्छा कर्म करी जीवन अच्छा मिले, इस जन्म में हमने के अच्छा कर्म सब तो आगे चल के भी हमने के अच्छा जीवन मिले। मनुष्य के जीवन बड़ा भाग्य से मिलेला, आ इस जीवन में अगर हमने के अगर कुछ गलत करते नहीं सन तो ऐसा मत कि सब 84 लाख योनि घूमला के बाद मनुष्य योनि मिले तो कोनो लूढ़ा लंगड़ा के मिले हमें। यही से ये जन्म में जो भी करे के बाद हमने एक अनुसार से बहुत कुछ हमें सुने के मिलेला, दान पुण्य हेन तेन बहुत कुछ होला है, कोई के मारे पीटी मत, कोई के सताई मत ना। गरुड़ पुराण सुनला के मतलब ये ना कि सुननी है कान से एक कान से निकाल देनी, ओकरा के दिमाग में रखबो कर लेना। बहुत लोग बा कि सुन लिया, सुनला के बाद फिर वे कर्म करते हैं, कोई फायदा नहीं सुन लिया। तो इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्द्वार सर्वद्वार में पाप चिन्ह निरूपण यानी कि पाप के चिन्ह के निरूपण हमने के कहनी सन पांचवा अध्याय पूरा हो गया। प्रेम से बोले के विष्णु भगवान की जय, गरुड़ महाराज की जय, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगणं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगविरज्ञदिगंबरं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धुश्च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय, प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय, 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 गरुड़ महाराज की जय, गरुड़ पुराण की।